अच्छा सभी साहब खाने पे तो आए, ज़रा फूड लवर है कोई? निहारी पाए, कोई बिरयानी में नल्ली बिरयानी, कौन क्या चीज़, कोई है कोई खाने आने का भी प्रोग्राम या क्या सिलसिला नहीं, है? खाने का शौक तो जाहिर है कि मुझे है, और फूडी मैं है? बिल्कुल, और दावतों पर खाना, और जाहिर है उसका मौका भी मिलता है मुझे, और मैं दुनिया भर में जहाँ भी कहीं जाता हूँ तो कोशिश करता हूँ कि कोई नई डिश अगर कोई बता रहा है तो वो ज़रूर ट्राई करूँ। अच्छा, तो आप उसकी बाहर की खा लेते हैं, मतलब देसी फूड, टिपिकल देसी देसी फूड ही फूड तो नहीं है अपना आप? है ना, लेकिन बहुत सारा ऐसा है कि जो हलाल है लेकिन दूसरे माशरों का है, हाँ जैसे मस्जिद नबी शरीफ के, आपको बताया जो खुद्दाम में से एक रोज़े के खुद्दाम, उन्होंने मुझसे पूछा कि मेरे घर दावत है तो क्या खाओगे, तो हफ्शा के थे, तो मैंने उनसे कहा कि आप अपना हफ्शा का जो भी ट्रेडिशनल खाना है क्या वो बनाओ, बनवाया उन्होंने? तो उन्होंने एक कोई ख़ास आटा था किसी काले से रंग का, उसकी एक गीली सी रोटी जो गालिबन पानी पर जिसको पकाया गया होगा, उबलते हुए पानी पर जिस तरह आप डाल देते उसकी रोटी बन, अच्छा, फिर उस पर सैलड और सालन रख के अरब एक में तो ख़ास, गो भी खाया जाता है, गो वो तो जाहिर है कि अब दब जिसे कहते हैं। मुख्तलिफ डिशें जी हैं, सब जी मुख्तलिफ कभी ये भी जगहों की ट्राई है, नहीं किया? ये तो नहीं तो खा दब सका आएगा तो खाना पसंद मैं करेंगे। ये तो नहीं खा सका, अच्छा लेकिन अच्छा नहीं खा नहीं बहरहाल सका, खाना पसंद करेंगे अगर कभी आया तो। आपने कहा कि मैं खा लेता हूँ, हाँ हर तरह की डिश मैं ट्राई कर कोशिश लेता करता हूँ कि हूँ। ट्राई करूँ अगर हलाल है तो। सी फूड में भी खा लेते सी हैं ये फूड लॉबस्टर वगैरह जी ये हाँ खा चीज़ें लेता हूँ, हैं? खा लेता तो फिर मेरा ख्याल इंतजाम किया जाए, ये पीछे बंगाली हूँ पड़ा है, जाके कोई लॉबस्टर तो वगैरह आपने पकड़ा जाए इंतज़ाम आपके लिए। किया नहीं अभी तक, हैं? इंतज़ाम किया नहीं अभी नहीं, अभी आप 5 मिनट, हम तक बंदा देख रहे हैं, बंदा किस नौयत की चीज़ की फरमाइश कर रहा है वो मैं फिर तो वैसे। मेज़बान के शान में गुस्ताखी नहीं कर सकता ना, आप जो एहतमाम करेंगे मैं खाऊंगा। भाई क्या बात है, मशहूर व मरूफ नातखा जो आपको पसंद हो, जो मुझे अवामी सतह में सारे मशहूर, नातखां पसंद हैं, एक उसकी बताएं ना। उसकी सभी साहब ये बहुत ही सीधा सीधा आप कर रहे हैं, कोई बुरा, एक तो बताएं कि जो आपका फेवरेट नातखा है। मेरा ख्याल है मुझे सईद हाशमी साहब ज़्यादा पसंद सईद हैं, हाशमी साहब, वो अलहाज सईद हाशमी, उनका एक वो कलाम है उसकी ना, वजह है, वो उसकी बता वजह दे है, जिनको याद ना हो हल्का सा, वो जो उनका मशहूर मरूफ अगर कलाम, कोई अपना भला चाहता है अगर कोई अपना भला उसे चाहता है चाहे जिसको खुदा उसे चाहता। चाहिए जिसको सईद खुदा भाई बहुत चाहता। सादे वाह आदमी वाह, थे, बड़ा उरूज बड़ा शोहरत देखी उन्होंने, और मौसीकी के बड़े माहिर आदमी थे, अच्छा लेकिन ये वो बाकमाल लोग थे जो मौसीकी पर कामिल दस्तरस रखने के बाद भी नातखानी में मौसीकी का सिर्फ टच लगाते थे हल्का सा, यानी वो नातखानी की संजीदगी को, तहारत को उतना ही सजाने की कोशिश करते थे जितनी ज़रूरत है, गैर ज़रूरी की गायकी, गैर ज़रूरी अलापें, गैर ज़रूरी गरारियाँ ये उनके यहाँ कहीं भी नहीं थी, और मैं उस बात को बहुत पसंद करता था कि एक आदमी हर चीज़ की सलाहियत और कुदरत रखता हो लेकिन उसे ये शऊर हो कि बारगाह रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में सल्लल्लाहु कोई दरख्वास्त पेश करने के लिए लहन को जितना फितरत से करीब रखा जाएगा वो ज़्यादा बेहतर होगा, और जितना गैरफितरी होता जाएगा उतने मसाइल पैदा होंगे।